हाय गाइस, आज दो मिनट में हम करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ठीक है, तो जो हमारा पूरा का पूरा ब्रेन है ना बच्चे, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट, मिड ब्रेन मतलब मिडिल वाला, और हाइंड ब्रेन मतलब नीचे वाला. ठीक है, ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट. ओके सर, जो हमारा फोर ब्रेन है ना बेटा, उसमें सबसे पहला पार्ट होता है सेरिब्रम. सेरिब्रम जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. पूरे ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट है. ठीक है सर, ये करता क्या है? ये बेटा जो भी चीजें आप महसूस करते हो, देखते हो, सूंघते हो, हियर करते हो या फिर टेस्ट करते हो, ये सारी की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे सेरिब्रम पे जाती है. और यही है मोटर एरिया भी. मोटर मतलब जो भी आप आउटपुट करते हो, जो भी आप एक्शन करते हो, वो सारा कहां से आता है? सेरिब्रम से ही आता है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और जो आपकी मेमोरी होती है, थिंकिंग होती है ना, रैशनलाइजिंग कैपेसिटी होती है, ये सारी चीजें हमारे सेरिब्रम में ही होती है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड गाइस, इसमें होता है हाइपोथैलेमस. हमारे फोर ब्रेन में सेकंड पार्ट है हाइपोथैलेमस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्स्ट, हंगर एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. फिर आता है बेटा थर्ड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, दैट इज थैलेमस, जो कि हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को रिले करने में टूवर्ड्स द सेरिब्रम. ओके, एक और चीज बताता हूं बेटा, जो सेरिब्रम है ना, ये दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. परफेक्ट. फिर आता है बेटा सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज द मिड ब्रेन. इसका बेटा ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है, इट जस्ट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हाइंड ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड. नीचे से इन्फॉर्मेशन जो आता है उसको फोर ब्रेन तक लेके जाता है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा थर्ड पार्ट, दैट इज हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में बेटा तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम. इसको कंफ्यूज मत करना सेरिब्रम से, फोर ब्रेन वाले. ठीक है, यह सेरिबेलम, फिर आता है बेटा पॉन्स, और फिर आता है मेड्यूला. ठीक है, सेरिबेलम जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड पॉस्चर. ठीक है, हम लोग प्रॉपर लाइन में चलते हैं, साइकिल करते हैं, बैलेंस कर पाता है, ये हमारे सेरिबेलम की वजह से होता है. ओके सर, पॉन्स जो है हमारा रेस्पिरेशन और हमारी स्लीप साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और तीसरा हमारा जो मेड्यूला होता है बेटा, ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग है ना, और ब्रीदिंग एंड मेंटेनिंग द हार्ट बीट ऑल्सो. ओके, सो दिस वॉज द पार्ट ऑफ द ब्रेन. मुझे बताओ कि विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द कमेंट बॉक्स, और उसका फंक्शन क्या है. कीप स्माइलिंग एंड फॉर मोर वीडियोज फॉलो वेदांत 9th & 10th.